नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस वक्त जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनमें से 80% व्यूअर्स अभी एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, और शायद उनमें से आप भी एक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंड्रॉयड एक्चुअली है क्या, इसका डेवलपर कौन कौन है, और एंड्रॉयड की हर एक बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एंड्रॉयड है क्या। एक्चुअली दोस्तों, बहुत से लोग ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि एंड्रॉयड या तो एक मोबाइल है या फिर कोई ऐप है। दोस्तों, एंड्रॉयड ना ही कोई मोबाइल है ना ही कोई ऐप है। एंड्रॉयड एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अब बात है ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई भी कंप्यूटर के लिए। यहाँ कंप्यूटर का मतलब कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, बल्कि वो सारे डिवाइसेस है जिसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक प्रोसेसिंग यूनिट हेल्प करता है आपको कोई भी इनपुट डाले और उसको कुछ प्रोसेस, जो आप इनपुट डाले उसको क्या करना है प्रोसेस करके आउटपुट या फिर रिजल्ट डालने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फाउंडर कौन कौन है। इसके तीन फाउंडर है या फिर इन्वेंटर है, जिनका नाम है रिच माइनर, एंड्री रूबिन और निक सेरस। ये तीनों इसके इन्वेंटर हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड ने अपनी मार्केट हर जगह छा ली है। इसकी मार्केटिंग में आ सकते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, ऑटोमोबाइल्स, वियर या फिर वॉचेस। ये 100+ लैंग्वेजेस में आता है और ये APK फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसका जो पहला वर्जन था, जो कि था अल्फा, वो सितंबर 23, 2008 में लॉन्च हुआ था, जो कि 8 साल पहले लॉन्च हुआ था, अभी से 8 साल पहले। उसके बाद बहुत सारे वर्सन आए, जैसे कि अल्फा, बीटा, कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फोरियो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो और अभी करेंटली नगेट है, जो कि 4 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुआ था। यस दोस्तों, मैं एंड्रॉयड का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसीलिए मुझे ये सब मुँह जुबानी याद है। दोस्तों, इसके जो डेवलपर है उसका नाम है गूगल ओपन हैंडसेट अलायंस। और ये जो इसकी जो कोडिंग या फिर लैंग्वेज जिसमें ये लिखी जाती है वो है जावा, सी कोर और C++। ये सिमिलर टू यूनिक्स लाइक चीज़ है। और दोस्तों, इसके जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो है www.android.com। अगर और मान लीजिए कि एंड्रॉयड आपका सबसे फेमस क्यों है इतना, पहले तो ये अफोर्डेबल है, सारे कंपनीज इसे यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ आपका मोबाइल है, ट्रूली योर्स, यू कैन कस्टमाइज इट योर सेल्फ। आपको जैसा पसंद है आप उसको वैसे करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि iOS में पॉसिबल नहीं है। और ये उतना सिक्योरिटी फीचर्स में नहीं देता कि आप बहुत से फीचर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी और लगता है कि मैंने नहीं बोला, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। और दोस्तों, इसकी बहुत सारी ऐसी भी खूबियाँ हैं जो कि दूसरे मोबाइल में नहीं दी जाती है। पहले तो दोस्तों, एंड्रॉयड को कैमरा के लिए बनाया गया था। एंड्रॉयड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम सोचे थे उन्होंने, वो सिर्फ कैमरा के लिए रखे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कैमरा के लिए ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, तो एक क्यों ना स्मार्टफोन ही बनाया दिया जाए। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का तय किया, जो कि गूगल के अंदर ही। एंड्रॉयड एक्चुअली गूगल का देन है, गूगल के अंदर ही एंड्रॉयड। और भी मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस।